शुरू करते हैं। हर हर महादेव। चलो स्टार्ट करते हैं, फोकस करना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जो कल होमवर्क दिया था मैंने, उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है? कौन से क्वेश्चन दिए थे मुझे एक बार वापस बताओ। अरे यार मेरे को क्वेश्चनर प्रिंट करना पड़ेगा। क्वेश्चनर है किसी के पास? 1.18 पेज पर का दिया था ना मैंने एक। कितने लोगों, सच में कितने लोगों ने सॉल्व किया है, हाथ रेस करो तो मैं डिस्कस करूं। सबने सॉल्व किया है, कंफर्म किया है, एक बार डिस्कस कर लेते। 1.18 का दिया था ना मैंने एक, बोलो हाँ ना। ओके पेज नंबर 1.18, एक्स माइनर वाला, बोलो हाँ है ना। और एक लिख के दिया था क्या क्वेश्चन मैंने, वो भी देखेंगे। पहले माइनर वाला देख लेते हैं, ठीक है? एक्स अ माइनर वाज स्टडिंग इन अ एमकॉम इन अ कॉलेज। एमकॉम कर रहा है ये, हमारा मीकॉम से मन भर गया जीवन में, एमकॉम कर रहा है। इन कॉलेज ऑन 1 जुलाई 2019 ही टुक अ लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम बी फॉर पेमेंट ऑफ हिज कॉलेज फीस। लोन लिया बोले कॉलेज फीस भरने के लिए, ठीक है? एंड टू परचेज द बुक्स एंड एग्रीड टू रीपे बैक ऑन 31 दिसंबर 2019। एक्स पजेस असेट वर्थ ₹9 लाख। ऑन ड्यू डेट एक्स फेल्स टू पे बैक द लोन टू बी। बी नाउ वॉन्ट टू रिकवर द लोन फ्रॉम एक्स आउट ऑफ हिज असेट्स रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अरे समझा क्या क्वेश्चन? लोन लिया काय के लिए? एडुकेशन। के लिया लिया बोले वजह से एडुकेशन, एजुकेशन के लिए लोन लिया है। कितने लाख का लिया है बोलो एक बार? 1 लाख। असेट कितने की उसके पास में? 9 लाख। सबसे पहले प्रोविजन अंडरलाइन कोलन, सब चेक करो एक बार, जो भी गलतियां की है फटाफट मार्क करो। प्रोविजन अंडरलाइन कोलन, जिसने अंडरलाइन नहीं किया आंसर काट दो पूरा, ठीक है? जिसने ब्रैकेट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 नहीं लिखा है आंसर काट दो। एक काम करो ना, बाजू वाले को पूरा राइट है तुम्हारा आंसर चेक करके उसको काटने का, ठीक है? तो बाजू वाले पूरा राइट है आपके पास में, अगर गलतियां की है दनादन आंसर काटो, ठीक है? प्रोविजन को अंडरलाइन नहीं है, कोलन नहीं है, फॉर्मेट में आंसर नहीं लिखा है, पहले आंसर काट दो। पेज के सेंटर पे क्वेश्चन नंबर नहीं डाला है आंसर काट दो, ठीक है? पेज के सेंटर में क्वेश्चन नंबर नहीं डाला है, लेफ्ट मार्जिन में क्वेश्चन नंबर नहीं डाला है आंसर काट दो। काटना है और डिस्कशन नहीं, एक मिनट, मेरे को जिधर से डिस्कशन, मैं क्या बोला, मैं काटूंगा तो पूरा बुक घर पे लेके चल जाऊंगा, चुपचाप बाजू वाले को काटने दो, ठीक है? याद रखना। उसके बाद में बच्चों एक मिनट होल्ड, मैं क्या कह रहा हूं सुनो, बिना लब्स का इस्तेमाल किए चुपचाप आंसर काटने का है। मेरे को जिस साइड से आवाज आएगी वहां के 2-4 लोगों को एक साथ खड़ा कर दूंगा अब मैं, ठीक है? और कोई किसी को रिजेक्ट नहीं करेगा आंसर काटने के लिए। कट्टा है कटने दो, तुम्हारा अच्छा होगा, ठीक है? वापस से प्रोविजन अंडरलाइन कोलन ब्रैकेट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, मेरे को किधर से भी आवाज नहीं आना चाहिए, ठीक है? नीचे पॉइंट नंबर 1 में आपने माइनर वाले सभी डिटेल्स लिखने, कल जो मैंने आपको लिखवा के दिए थे याद है सबको, हाँ है ना? पहला पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज कंसीडर्ड एज का वाले बाद उसे वॉइड। हाउएवर कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर फॉर द नेसेसिटीज सप्लाइड कैन बी कंसीडर्ड एज का वाले बाद उसे वैलिड। पॉइंट नंबर 3, बट द अमाउंट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द असेट्स ऑफ द का वाले बाद उसे माइनर। सो पहले इसमें वॉइड, दूसरे इसमें नेसेसिटीज वाला वैलिड, और तीसरा असेट्स में से आपको क्या करना है बोले बाद उसे रिकवर। चौथा, बट यू कैनॉट मेक माइनर वर्क, आपने माइनर को काम करवाने को नहीं लगाना है। कितने लोगों ने 4 पॉइंट जैसे के वैसे बोले वैसे लिखे है? चलो शानदार। बाकी लोगों ने क्यों नहीं लिखे? कल मैंने लिखवा के दिए था ना माइनर वाले सभी पॉइंट चार्ट के अंदर, सो कहां गलती हो रही है आपकी, ठीक है? कृपया जिन्होंने जो पॉइंट मिस किया है रेड कलर के पेन से मार्क करके वहां पे ऐड कर दो फास्ट, ठीक है? किया सबने? बोलो हाँ या ना। उसके नीचे एक्सप्लेनेशन में, इन द गिवन केस, एक लाइन में केस खत्म होना चाहिए। इन द गिवन केस एक्स माइनर टुक अ लोन फ्रॉम किससे? एक्स माइनर टुक अ लोन फ्रॉम किससे? कल बोलोगे जीवन में, बोलो फिर जल्दी। एक्स माइनर टुक अ लोन फ्रॉम किससे? बी ऑफ ₹1 लाख फॉर द एजुकेशन एज अ नेसेसिटी एंड हैव असेट्स ऑफ 9 लाख, फुल स्टॉप। सब फैक्ट्स मेंशन हो गए एक झटके में, वापस सुन लो। जिनको ड्राफ्टिंग नहीं आता वो कृपया ड्राफ्ट करके लिख लो इसको। एक्स माइनर टुक अ लोन फ्रॉम बी ऑफ ₹1 लाख फॉर एजुकेशनल नेसेसिटी एंड ही हैव असेट ऑफ कितना बोले बाजू से? 9 लाख। पॉइंट नंबर 2, एज द लोन इज फॉर द एजुकेशन फॉर द नेसेसिटी the contract is considered as valid and such a 1 lakh rupees can be recovered from the assets of the minor, that is 9 lakh.
क्लियर है कॉन्सेप्ट? पॉइंट नंबर थ्री, ऐड करना है नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, वी कैन रिकवर रुपीज 1 लाख फ्रॉम द असेट्स ऑफ 9 लाख, बोलो हाँ या ना। ऐसा एक्सप्लेनेशन कितने लोगों ने लिखा है अच्छे से? चलो सांडदार, ऐसा एक अब समझ में आ रहा है आंसर राइटिंग का फायदा क्या होता है। तो अब तुम कैसे पहले सवाल लिखते हो और अब कैसे लिखते हो, ठीक है? अब इसमें भी एक्सप्लेनेशन को अंडरलाइन किसने किया नहीं है, कोलन किसने नहीं किया, आंसर काटो, इंडेंटिंग पॉइंट का मेंशन होना चाहिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 के नीचे मुझे कोई भी वर्डिंग्स नहीं दिखना चाहिए, 1 2 3 4 का स्पेसिफिक स्पेस और 1 2 3 4 को लग के ही पूरा वर्डिंग दिखना चाहिए, ठीक है? जिसने इंडेंटिंग मेंशन नहीं किया आंसर काटो, ठीक है? और खुद के साथ ईमानदार बनो, आपने गलती की है आंसर काटो। अच्छा जिसने राइट साइड का मार्जिन ड्रॉ नहीं किया उसका तो पेज फाट डालो साले को जीवन में, फाड़ दो, कोई कोई रहम दिल कुत नहीं, फाट डालो पेज जीवन में, ठीक है? उसके नीचे अब उन्होंने सवाल क्या पूछा है, रेफरिंग टू प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट राइट डिसाइड बी वुड सक्सीड, मुझे बताओ बी सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा? नीचे आंसर में कंसिडरिंग द अबव सिचुएशन बी कैन बी सक्सेसफुल इन रिकवरिंग हिज लोन ऑफ रुपीज 1 लाख फ्रॉम माइनर से फ्रॉम आउट ऑफ हिज असेट्स ऑफ कितना बोला एक बार 9 लाख प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन, पूरा सेंटेंस लिखने का है। 3 बार रेफर करना चला, 4 बार रेफर करना पड़ा, करो, ठीक है? इसको कहां कैरेक्टर करना है मैं एंड में आपको समझा दूंगा, ठीक है? फिलहाल पहले सब लिखने की आदत डालो। चलो ये क्वेश्चन समझ में आया, अच्छे से लिखा है सबने, ओके। दूसरा कौन सा दिया था, और 1.20 पर का एक दिया था ना, ओके। अ स्टूडेंट वॉज इंड्यूस्ड बाय द टीचर, अरे रे 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 रे, उल्टी गंगा बह रही है यहां तो। नॉर्मली स्टूडेंट टीचर को इंड्यूस करते हैं ना, अंडू इन्फ्लुएंस, बोलो हाँ है ना। अ स्टूडेंट वॉज इंड्यूस्ड बाय हिज टीचर टू सेल द ब्रांड न्यू कार टू द लैटर, टू द लैटर मतलब हु इज लैटर, व्हाट डू यू मीन बाय लैटर, स्टूडेंट ना, वाह वाह बोलो, हु इज लैटर, हु इज लैटर, इंग्लिश आता क्या रे तुमको, कौन सी स्कूल में गए थे तुम सब लोग? सर मुदकपेट महिला मंडल प्राथमिक शाला हसुमत नाला को मेरे स्कूल का नाम है, कैसे भिखारी लोग है। हाँ मैं बचपन में प्राइमरी स्कूल थी मेरी 1 से 4 स्टैंडर्ड, तो अमरावती में एक महिला मंडल ऐसी चैरिटेबल शाला स्कूल चलाते थे, तो उसके अंदर मेरे को एडमिट करके रखा था, ठीक है? तो फिर उसके बाद में वो मंडल रिजॉल्व हो गया मेरे को एडमिट करने के बाद। लैटर, लैटर, लैटर वर्ड का मीनिंग क्या है भिखारी लोगों, बोलो कौन लैटर मतलब? सी दिस, व्हेन कभी भी तुमको केस स्टडी में दो लोग मेंशन किए जाते हैं, स्टूडेंट टीचर, स्टूडेंट इज अ फॉर्मर एंड टीचर इज अ लैटर, तो स्टूडेंट ने, टीचर ने स्टूडेंट को इंड्यूस किया कि स्टूडेंट टीचर को कार सेल करे। टू बाय किसने बोले एक बार उसे? लैटर, जोर से बोलो, लैटर का मतलब कौन होता है यहां बोले एक बार उसे? टीचर, टीचर ने स्टूडेंट्स को ल्योर किया कि स्टूडेंट उसकी कार टीचर को बेच डाले, समझ में आ रहा है? अरे बोलो ना हाँ या ना। आगे, एट लेस देन अ परचेस प्राइस टू सोर्स मोर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, अरे रे 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 रे। किसका पास आईफोन है क्या? तो आई कैन इंड्यूस यू, मेरे को 10 रुपए में बेच दे। ठीक है, मोर मार्क्स इन कहने बोले एक बार उसे एग्जाम। नीचे अकॉर्डिंगली द कार वॉज सोल्ड, ठीक है, कार सेल आउट कर दिया, द फादर ऑफ द स्टूडेंट परसुडेड हिम टू स्यू हिज टीचर, अरे रे 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 रे, स्टूडेंट स्यूड टीचर, स्टूडेंट ने टीचर के ऊपर, अरे ना लगे लोगो, स्टेट ऑन व्हाट ग्राउंड स्टूडेंट कैन स्यू द टीचर, कितने बार, और बोला ना 10 बार लिखो सू टीचर करके। मुझे एक बात बताओ, यहां स्टूडेंट टीचर के ऊपर केस कर सकता है क्या? हाँ या ना। केस इज ऑफ अंडू इन्फ्लुएंस, व्हाट इज अंडू इन्फ्लुएंस, क्या लिखा प्रोविजन में?
क्या लिखा अंडू इन्फ्लुएंस में? आंसर राइटिंग पॉइंट है क्या तुम्हारे पास? कहां से निकाले? इधर से ना, क्वेश्चन से कॉपी की। सर ये नीचे जो लिखा कॉपी कर लिया सर, और क्या करेंगे जीवन में भिखारी लोग। क्या लिखा अंडू इन्फ्लुएंस में? तुम्हारे आंसर बच्चों ऐसे आने चाहिए कि इससे भयंकर बेटर हो जाए। ये कुछ नहीं है, इंस्टीट्यूट ने कॉपी पेस्ट किया है। तुमको मैंने फॉर्मेट का ऐसा स्किल दिया है कि तुम अगर ईमानदारी से इज्जत से लिखो ना तो इससे भी बेटर आंसर बाहर आ सकते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो इसको कॉपी करके खुद की स्किल को बर्बाद ना करे। समझ में आ रहा है? मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसा ध्यान रखना। मैंने कल तुमको अंडू इन्फ्लुएंस के आंसर राइटिंग पॉइंट दिए थे, पर तुमने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो। कहाँ दिए थे? डिफरेंस में। मैंने कोरिलेशन अंडू इन्फ्लुएंस के डिफरेंस के अंदर अंडू इन्फ्लुएंस के पॉइंट्स दिए थे। आप उसको कन्वर्ट करके भी बहुत प्यार से जो रिलेवेंट है वो लिख सकते थे। समझ में आ रहा है? बोलो नालायक को, कितने लोगों ने ऐसा ट्राई किया डिफरेंस में से पॉइंट निकाले? ये देखो शानदार, ऐसा चाहिए जीवन में। बाकी लोगों ने क्यों नहीं निकाले? आपके बाजू में बैठे वाला बंदा अगर ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? खुद से सवाल पूछो एक बार, ठीक है? तो थोड़ा अलर्ट रहो, इट जस्ट अ मैटर ऑफ परसेप्शन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो पॉइंट नंबर वन में लिखना, द अंडू इन्फ्लुएंस मींस वेयर वन पार्टी यूजेस द पावर ऑफ द रिलेशन टू क्या डोमिनेट द विल ऑफ द कैबल एक बार उसे अदर पार्टी एंड टेक द एडवांटेज। तो ऐसे सिचुएशन में उसे क्या कहा जाता है? एक बार उसे अंडू इन्फ्लुएंस। पॉइंट नंबर टू, अंडर द अंडू इन्फ्लुएंस द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीड पार्टी। एट द ऑप्शन ऑफ कैबल एक बार उसे एग्रीड पार्टी। कंसेप्ट तीसरा, द एग्रीड पार्टी कैन ऑल्सो क्लेम अ डैमेजेस अंडर द अंडू इन्फ्लुएंस। कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज ही कैन क्लेम डैमेजेस। ये तीन पॉइंट भी अगर आपने लिख दिया तो भी आपका काम हो गया, आपको बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी मैंने अंडू इन्फ्लुएंस में और डिफरेंशियल पॉइंट लिख के दिया, दैट आई नो, पर उसकी यहां पे जरूरत नहीं है क्योंकि हमको टू द पॉइंट जाने का है। क्लियर है? फिर ये कितने लोगों ने लिखा ऐसा? एटलीस्ट दो तीन पॉइंट ऐसे। ओके चलो गुड, इससे भी ज्यादा कुछ लिखा है रिलेवेंट आपको लगता है यू कैन टेल मी। बोलो कोई नीचे, इससे ज्यादा किसी ने कुछ नहीं लिखा है ना? ठीक है, इतना लिखा है पर सबने। चलो नीचे एक्सप्लेनेशन में, इन द गिवन केस, केस जैसा का वैसा डिस्कस कर लो। टीचर इंड्यूस स्टूडेंट टू सेल द कार। टीचर इंड्यूस स्टूडेंट ने, सही है ना मैडम? सो टीचर इंड्यूस स्टूडेंट टू सेल द कार, बोले एक बार उसे कार टू टीचर, ठीक है, एट वेरी लो प्राइस फॉर अगेंस्ट द मार्क ऑफ द एग्जामिनेशन विच इज वॉइड इन लॉ। कंसेप्ट समझ में आ रहा? विच इज अंडू इन्फ्लुएंस। नीचे पॉइंट नंबर टू, स्टूडेंट कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एट हिज ओन ऑप्शन। सेकंड पॉइंट में, स्टूडेंट कैन अवॉइड अ कॉन्ट्रैक्ट एट हिज केवल एक बार ओन ऑप्शन। पॉइंट नंबर थ्री में, स्टूडेंट कैन ऑल्सो क्लेम डैमेजेस फ्रॉम द टीचर बाय फाइलिंग अ केस अगेंस्ट हिम। कंसेप्ट समझ में? नीचे आंसर के अंदर क्या पूछा है? स्टेट ऑन द व्हाट ग्राउंड स्टूडेंट कैन सू द टीचर। द स्टूडेंट कैन सू द टीचर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द अंडू इन्फ्लुएंस एंड कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज क्लेम द डैमेजेस। क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? हाँ है ना? ये आपका आंसर आना चाहिए। कितने लोगों ने सेम लिखा है? चलो शानदार। अच्छा माइनर वाले केस में तुमने केस लॉ वगैरह रेफर किया है क्या? कोई कौन सा किया है? मौरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, खानगुल वर्सेस लाखा सिंह मत लिखना वहां पे, वो फ्रॉड वाला केस है। क्लियर है? जितने लोगों ने खानगुल वर्सेस लाखा सिंह लिखा है वो कट कर दीजिए प्लीज। खानगुल वर्सेस लाखा सिंह लास्ट क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो फ्रॉड वाला केस है। अगर फ्रॉड माइनर ने किया रहता तो खानगुल, मौरी बीबी और खानगुल दोनों लिखने थे, ठीक है? चलो दो क्वेश्चन हो गए। तीसरे क्वेश्चन के ऊपर तीसरा मैंने लिखवाया था ना, वो तो ईजी था, उसमें दिक्कत है क्या किसी को? अच्छा ये दो मैच कर रहे हैं तो आई होप सो आपका तीसरा जा रहा होगा। तो मैं आगे बढ़ू, आज पढ़ाना शुरू कर दूं? ओके बोलो बेटा। ओके सवाल, अंडर इन्फ्लुएंस के लिए कोई केस लॉ है क्या? नहीं, हमने हमारे सिलेबस में अभी तक जितना देखा उसमें तो हमको केस लॉ नहीं मिला है, ठीक है? तो इट्स ओके, आपने नॉर्मली लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। केस लॉ वहीं पुट करना जहां कॉन्क्रीट आपको मालूम है कि इसके बारे में केस लॉ है। गलत केस लॉ पुट करके पूरे क्वेश्चन के मार्क नहीं गवाने का, ठीक है? गलत केस लॉ कोट करने की वजह से आपने जितना भी लिखा है वो सब जीरो हो सकता है, ठीक है? सो अगर आप नहीं श्योर हो इट्स ओके, डिसीजन लिखो आगे बढ़ो, ठीक है? पर केस लॉ का नाम और डिसीजन सही ही आना चाहिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो आज बढ़ते हैं आगे बच्चों, आ जाइए फटाफट, लेट्स गो। डेली ऐसा होमवर्क होमवर्क देते जाऊं, डेवलपमेंट हो रहा है सबका, एडवांटेज हो रहा है सबको? बोलो हाँ है ना? चलो बहुत बढ़िया शानदार। ओरी बाप रे, आज तो मजा आने वाला है, पूछो क्यों? एकदम जबरदस्त।
आर यू गाइस रेडी? बोलो हाँ या ना। चलो स्टार्ट करते हैं, फोकस कीजिएगा अच्छे से, बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ओके, पढ़ाने से बेटर मेरे को ऐसा लगता है कि इन चीजों के मैं आंसर राइटिंग पॉइंट से लिखवा दूं, ठीक है? क्योंकि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया में जा रहे हैं जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एरिया का आपका नाम है दैट इज लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो रजिस्टर के अंदर हेडिंग डालिए एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, बहुत सारा आज कुछ लिखवा के दूंगा, ठीक है? तो कृपया रेडी हो जाइए। रख लो या फिर, हाँ ठीक है, बाद में देना। एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, ठीक है? एक एक हेडिंग दूंगा, हर एक के लिए आंसर राइटिंग पॉइंट दूंगा, जैसे के वैसे दिमाग में रट लेना और छाप देना पूछा जाए तो, ठीक है? बिल्कुल भी दो मत मत रखना कि लिखना है नहीं लिखना है, सीधा छाप देना। क्लियर है? चलो स्टार्ट करें बच्चों, बोलो हाँ या ना। ओके, सबसे पहली बात, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, प्लीज टेल मी। सांगा हाँ, व्हाट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी? ऐसा समझ सकते हैं इसको कि ऐसे एग्रीमेंट, जब हम कहते हैं ना, प्रॉब्लम क्या होता है जब हम कहते हैं एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि ये पब्लिक के खिलाफ वाले है। रॉन्ग अजम्पशन, ये एग्रीमेंट पब्लिक के खिलाफ नहीं है, बट नेचुरली सोसाइटी में क्या चलना चाहिए ये एग्रीमेंट उसके बाहर है, उस पैरामीटर के बाहर है। अब इसमें अलग अलग टाइप के, हाँ ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे पैरामीटर्स के बारे, हाँ कुछ पब्लिक के अगेंस्ट है, जैसे कि एग्रीमेंट विद द अलाइन एनिमी, ये टोटली पब्लिक के अगेंस्ट है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? पर कुछ ऐसे है जो टोटली पब्लिक के अगेंस्ट नहीं है, पर सोसाइटी में जो नॉर्मली नॉर्म्स हम खुद सबके लिए ड्रॉ करते हैं उन नॉर्म्स के अगेंस्ट है। तो ये भी मैं आपको समझाऊंगा कौन से है कौन से नहीं है, पर एक माइंडसेट क्रिएट कर लो कि इसके अंदर कुछ पूरे पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, कुछ पब्लिक नॉर्म्स के अगेंस्ट है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नाउ एक एक लिखेंगे, सबसे पहला लिखिएगा एग्रीमेंट टू ट्रेड विथ अलायन एनिमी। एग्रीमेंट टू ट्रेड विथ अलायन एनिमी, एग्रीमेंट टू ट्रेड विथ अलायन एनिमी, एग्रीमेंट टू ट्रेड विथ, क्या बोले एक बार उसे, अलायन एनिमी। लिखा सबने पॉइंट नंबर वन, अलायन एनिमी मीन्स, ये सब आंसर राइटिंग पॉइंट्स हैं बच्चों, सो बहुत प्रॉपरली लिखना। अलायन एनिमी मीन्स अ पर्सन फ्रॉम अ एनिमी कंट्री, अ पर्सन फ्रॉम अ एनिमी कंट्री विथ हुम, विथ हुम इंडियन गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड अ वॉर, विथ हुम इंडियन गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड अ वॉर। इंडियन गवर्नमेंट हैज क्या वाली बात, उसे डिक्लेयर्ड अ वॉर, फुल स्टॉप। पॉइंट नंबर टू, देर आर टू रीजंस फॉर अवॉइडिंग सच अ कॉन्ट्रैक्ट, देर आर टू रीजंस फॉर अवॉइडिंग कॉन्ट्रैक्ट विथ सच अ पर्सन, देर आर टू रीजंस फॉर अवॉइडिंग कॉन्ट्रैक्ट विथ सच अ पर्सन। Avoiding contract with such a person. Point number A, indenting करके बकायदा, आलतू फालतू point number इधर उधर मत लिखना, ठीक है? Point number A, कोई किसको कैसे लिखा हो जीवन में, ऐसी चीजें आती तो मेरे को टेंशन आ जाता है। लिखो पॉइंट नंबर ए, परफॉर्मेंस ऑफ अ एग्रीमेंट कुड इन्वॉल्व, परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट कुड इन्वॉल्व कमर्शियल इंटरकोर्स। नालायक लोग, भिखारी। परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट कुड इन्वॉल्व कमर्शियल इंटरकोर्स विथ एनिमी, विद एनिमी। मजा आ गया ना खिदड़ के, कमर्शियल इंटरकोर्स विद द एनिमी।
पॉइंट नंबर बी, दिस कैन गिव फ्यूचर बेनिफिट, इमीडिएट फ्यूचर बेनिफिट, दिस कैन गिव इमीडिएट फ्यूचर बेनिफिट, दिस कैन गिव इमीडिएट फ्यूचर बेनिफिट टू द एनिमी, कितने महीने में, 9 महीने में ना, भिखारी लोगो, दिस कैन गिव इमीडिएट फ्यूचर बेनिफिट टू द एनिमी, ना लाइक सबके सब। नेक्स्ट मेन पॉइंट, पॉइंट नंबर थ्री, द कॉन्ट्रैक्ट कैन रिजल्ट इन टू, द कॉन्ट्रैक्ट कैन रिजल्ट इन टू एडिशनल एज टू एन एनिमी कंट्री, एडिशनल एज टू एन एनिमी कंट्री, कॉन्ट्रैक्ट कैन रिजल्ट इन टू एडिशनल एज टू एनिमी कंट्री, additional aid to enemy country in warfare activities, in warfare activities by supplying resources or the information, by supplying resources or the information by supplying resources or the information, that is why it is void, that is why it is void, that is why it is void. लिख लिया सबने? Next heading, पहला समझ में आया अलाइन एनिमी? अच्छा, ये समझाने की जरूरत है या सबको ऑलरेडी समझ में आ रहा है? आ रहा है, दूसरा लिखवाऊं? चलो, पॉइंट नंबर सेकंड हेडिंग, एग्रीमेंट टू कमिट अ क्राइम, एग्रीमेंट टू कमिट अ क्राइम, एग्जाम्पल बताओ ऐसे एग्रीमेंट्स का प्लीज। सुपरमैन, कल बनाया था ना सुपरमैन, बोलो हाँ आया ना। किडनैपिंग, किडनैपिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, बोलो हाँ आया ना। अरे सुन ना, सो लिखना पॉइंट नंबर वन, वेयर द कंसिडरेशन ऑफ द एग्रीमेंट, वेयर द कंसिडरेशन ऑफ द एग्रीमेंट, वेयर कंसिडरेशन ऑफ द एग्रीमेंट इज टू कमिट अ क्राइम, देन इट इज वॉइड, then it is void, then it is void, full stop. Point number two, the agreement can damage the other person or his property, the agreement can damage the other person or his property the agreement can damage the other person or his property without his assent, next point, the court cannot enforce such a contracts, the court cannot enforce such a contracts court cannot enforce such a contracts, full stop, next point. अभी इसमें एक और तरीका होता है, आप देखना कभी नॉर्मली पॉलिटिशियंस के केस में, आपने ये सुना है नहीं सुना है, या मूवीज में तो आपने देखा ही होगा कि कोई बड़ा बिजनेसमैन किसी गुंडे को सुपारी देता है, जा इसको मार डाल, तेरी जमानत मैं करवा लूंगा, नालायक लोगों, हाँ तो बोलो, सुना है ऐसा कि जा इसको मार डाल, तेरी जमानत मैं कर लूंगा, ये तो इंडेमनिटी हो गया ना भाई, तुम सामने वाले को अश्योरेंस दे रहे हो तू गलत काम कर, पीछे मैं खड़ा हूं, ये मर्डर करने के वजह से तेरे को जितना लॉस होगा वो सब मैं देख लूंगा, तेरे को पैसे भी दूंगा, जमानत भी करवाऊंगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना। तो सिर्फ क्रिमिनल एक्टिविटी वाला कॉन्ट्रैक्ट वाइड है ऐसा नहीं, वो क्रिमिनल एक्टिविटी से होने वाले लॉस को इंडेमनिफाई करना भी वाइड है, क्लियर है, मतलब उससे एसोसिएटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट है या सप्लीमेंट्री जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो भी वाइड है, जैसे तू मर्डर कर मैं जमानत करवाऊंगा ये भी वाइड है, तू मर्डर कर मैं तेरे को पैसे दूंगा ये भी वाइड है, तू मर्डर कर बाहर आ जा मैं तेरे को मालामाल कर दूंगा ये भी वाइड है, जब समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, तो नीचे लिखना, इन एडिशन टू द अबव, इन एडिशन टू द अबव, एग्रीमेंट टू इंडेमनिफाई, एग्रीमेंट टू इंडेमनिफाई अ पर्सन फॉर हिज क्रिमिनल एक्टिविटी, एग्रीमेंट टू इंडेमनिफाई अ पर्सन फॉर हिज क्रिमिनल एक्टिविटी
इज ऑल्सो वॉइड. एग्रीमेंट टू इंडेमनिफाई अ पर्सन फॉर हिज क्रिमिनल एक्टिविटी इज ऑल्सो वॉइड. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो, नीचे एग्जाम्पल लिख लो. सुपारी देना और बेल करवाना, हिंदी में लिखना, हिंदी में लिखो, पर तुम्हें याद रहना चाहिए. सुपारी देना, बेल करवाना, किडनैपिंग, बर्गलरी, किडनैपिंग, बर्गलरी, एक्सटॉर्शन. लिख लिया सबने? चलो, ये समझ में आया सबको. नेक्स्ट हेडिंग, एग्रीमेंट टू इंटरफेयर विद द जस्टिस. नेक्स्ट हेडिंग, एग्रीमेंट टू इंटरफेयर विद द जस्टिस. एग्रीमेंट टू इंटरफेयर विद, क्या बोले एक बार उसे? जस्टिस. लिखा सबने? बोलो हाँ है ना? चलो उसके अंदर लिखना. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेयरिंग विद द जस्टिस? जस्टिस के अंदर इंटरफेयर करना मतलब ब्राइबिंग द कोर्ट या ब्राइबिंग द जज. ब्राइबिंग द जज इंटरफेयरिंग विद द जस्टिस है. बोलो हाँ है ना? और गवर्नमेंट को पैसा खिला के किसी का कॉन्ट्रैक्ट खुद छीन लेना. समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? चैम्पटी इज नॉट ब्राइबिंग द इंटरफेरेंस ऑफ द जस्टिस. मतलब इट्स नॉट अबाउट द जस्टिस सिस्टम के साथ स्टिफलिंग करना. समझ में आ रहा है? चैम्पटी इज डिफरेंट. ठीक है? सो नॉर्मली न्याय के विधान में अगर आप बाधा बन जाते हो तो ऐसे सिचुएशन में, सॉरी, न्याय के विधान में अगर आप बाधा बनते हो तो ऐसी परिस्थिति में तुमने किया हुआ उपरोक्त कार्य ये विधि के विधान के हिसाब से अन्यायपूर्वक माना जाएगा. सर घंटा समझ में नहीं आ रहा. ठीक है, लिखना पॉइंट नंबर वन. इंटरफेयरिंग विद द जस्टिस मीन्स, इंटरफेयरिंग विद द जस्टिस मीन्स इंटरफेयरिंग विद द जस्टिस मीन्स स्टिफलिंग विद द प्रोसिक्यूशंस. स्टिफलिंग विद द प्रोसिक्यूशंस, व्हाट इज स्टिफलिंग? छेड़खानी करना. स्टिफलिंग विद द प्रोसिक्यूशंस, ब्रैकेट में लिख लो, छेड़छाड़, छेड़खानी. नालायक अच्छा सोच जिंदगी के अंदर, छेड़छाड़ बोले तो स्टिफलिंग विद द प्रोसिक्यूशंस और ब्राइबिंग द जूरी और जज, और ब्राइबिंग द जूरी और जज, ब्राइबिंग द जूरी और जज, और मेंटेनेंस चैम्पटी पूरा तो नहीं पर उसका थोड़ा सा पोर्शन हम यहां कवर करेंगे. ठीक है, वो भी कौन सा मैं बोलूंगा. और हैविंग अ प्रोसीजर फॉर मेंटेनेंस एंड चैम्पटी, हैविंग अ प्रोसीजर फॉर मेंटेनेंस एंड चैम्पटी. हमने इसके पहले चैम्पटी देखा है क्या कहीं पे? देखा देखा सा तुमको मैंने किधर तो भी देखने लगता है, सुने लगता है तुमको, मिधर कहीं देखा तो भी मैंने सुने लाए. बोलो क्या? रामचंद्र चिंतामन वर्सेस कालू राजू. वकील को यह बोलना केस जितवा के दे और 20% खुद रख ले. बोलो हाँ या ना? दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोले एक बार उसे? चैम्पटी. जोर से बोलो, क्या बोलना है उसको? चैम्पटी. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो हाँ या ना? चलो बहुत बढ़िया. सो नीचे लिखना आपने क्या लिखा, पार्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड चैम्पटी लिखा ना? बोलो हाँ ना? चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट मेन पॉइंट. Whenever a person avoids legitimate prosecution, whenever a person avoids a legitimate prosecution or hearing मतलब decision, सुनवाई, legitimate prosecution or hearing, And changes the same as per his own need, then it is void.
ठीक है, देन इट इज वॉइड, फुल स्टॉप। लिख लिया सबने? ओके, नेक्स्ट वन, चैम्पटी मेंटेनेंस हम अलग से लिखने वाले, तब मैं आपको वापस से समझाऊंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट वाला हेडिंग दीजिएगा, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। ओके, इसका मतलब क्या है लीगल प्रोसीडिंग? एनीवन, व्हाट आर द एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स? बोलो बोलो। अच्छा, व्हाट इज लीगल प्रोसीडिंग? क्या कानून के हाथ लंबे होते? लंबे हाथों का क्या? बोलो, काले कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो उसका क्या करे? हाँ बोलो, अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग मतलब। ओके, लीगल प्रोसीडिंग का मतलब समझ में आता है? व्हाट इज लीगल प्रोसीडिंग? कानूनी कार्यवाही, लीगल कानूनी प्रोसीडिंग कार्रवाई, समझ में आ रहा है? कानूनी कार्रवाई में क्या क्या आता है? अब जैसे तुमने वो मूवी देखा है क्या, वो वाला? अरे वो वाला नहीं, भिखारी लोगो, वो मूवी देखा क्या? हाँ सर, नालायक, स्पेशल 26, अजय देवगन वाला देखा है? उसके अंदर वो रेड मारने जाता है, अक्षय कुमार वाला, माय मिस्टेक, और अजय देवगन का रेड करके ऐसा ही एक मूवी आया था, माय मेरे कंफ्यूज हो गया क्या जीवन में? हाँ, दोनों मूवीज में आपने देखना कि जब भी ये लोग रेड मारते थे ना, तो ये सामने वाला पर्सन जिसके ऊपर रेड मारते थे उसका टेलीफोन वेलीफोन सब 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 डिसमेंटल कर देते थे। बोलो हाँ, है ना? फिर भी जो पॉलिटिशियन था रेड मूवी में, खास करके वो मोटा मोटा सा, वो जो पॉलिटिशियन था वो फिर भी इधर उधर से कुछ तो भी काढ़िया कर रहा था कि दंगे भड़काना, चार पांच लोगों को मारने बुलाना। बोलो हाँ, है ना? वो जो इन्वेस्टिगेशन रेड ऑफिसर है उसका सुपारी दे डालना। अब ये जितनी भी चीज़ें ये लोग करते हैं ना रेड मारने के बाद में, रेड से बचे या रेड के प्रोसीडिंग से बचे, दोज आर ऑल कॉल्ड एज एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। एक बार कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर शुरू हो गई तो आपने चुपचाप बाजू में बैठ जाना चाहिए, आपने उसके अंदर इंटरफेयर करने का या उसको रोकने का कोई भी कोशिश नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपकी पिनलाइजेशन और स्ट्रांग हो सकती है। अब वो मूवी है, मूवी में कुछ भी दिखा सकते हैं, पर रेड इतनी कुछ ये नहीं होती, ठीक है? उसमें थोड़ा सा ज़्यादा सेंटी ही दिखा देते हैं, पर रेड करने वाले ऐसे फालतू वाले लोग नहीं रहते, एकदम ईमानदार वाले लोग होते हैं, ठीक है? मतलब जो एकदम छान छान के वहाँ पर पहुँचते हैं वैसे वाले लोग होते हैं, और उन्होंने एक बार रेड कर दिया मतलब ख़त्म बात, समझ में आया? तो ये चीज़ को तुमने याद रखना, ऐसा कोई भी चीज़ लीगल प्रोसीडिंग में, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर पे इंक्वायरी आई, समझो तुमने इनकम टैक्स नहीं भरा, जैसे विजय सर, तो विजय सर को टैक्स के टीचर है ना, बोलो हाँ, है ना? तो विजय सर टैक्स के टीचर है तो इनकम टैक्स भरने की क्या जरूरत है, मैं खुद ही टैक्स पढ़ाता हूँ, बोले, ठीक है? तो उन्होंने टैक्स वैक्स भरा नहीं, पैसा बहुत कमाया, होता सबके पास है, समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना? बम पैसा कमाया और दिया खुद भी नहीं। और एक दिन इनकम टैक्स वाले घर पे आ गए और इंक्वायरी करने लगे, रेड नहीं मारी, इंक्वायरी, क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन आंसर चल रहे थे। अब विजय सर तुमको मालूम है, अरे क्या बोले सर, क्या रखा है इन सब चीजों में, चलो मेरे साथ, मैं चाय पिला था। चाय पे लेके गए, जेब में से नोटों के बंडल निकाले, उनके जेब में डाल दिया, क्या टैक्स वैक्स का, ना तुम्हारा भरा हो रहा है ना मेरा भला हो रहा है, ये देखो अपने एक दूसरे का भला करते हैं, ठीक है? उनको ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, कैन आई से इट इज अ एग्रीमेंट अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग? बिल्कुल, इंक्वायरी चल रहा था, इंक्वायरी इज लीगल प्रोसीडिंग, तुमने ब्राइब देके उसी को निपटा डाला जीवन में, अरे बोलो ना, आया ना, ठीक है? उससे खतरनाक फिर आगे एडीजेड सर और आरजे, एक लेवल आगे आया ना। तो इनके घर पे अगर इंक्वायरी आया, इनकम टैक्स ऑफिसर घर पे आया, एडीजेड सर के कॉन्टैक्ट बहुत भयंकर है, ऑफिसर एडीजेड से सवाल जवाब करने लग गए, एडीजेड सर ने फोन लगाया, ऑफिसर को दूसरा फोन आया, ऑफिसर बोलता है ओके सर, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे मिलके, समझ में आ रहा है? एग्रीमेंट अगेंस्ट द लीगल प्रोसीडिंग, क्लियर? हालांकि मेरे जैसा कोई ऑफिस बॉय है और मेरे घर पे इंक्वायरी आया तो मैं तो कुछ ही नहीं कर पाऊंगा ना, ब्राइब देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, और फोन तो मैं खैर खुद के बीवी को भी नहीं लगा सकता जिंदगी के अंदर इतने हक से, अरे बोलो ना हाँ, ना तो मैं पकड़ा जाऊंगा, तो मैं एग्रीमेंट अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग में आ ही नहीं सकता कभी, समझ में आया सबको? हाँ, है ना? पर बाकी सब लोग आ सकते हैं क्या? अच्छा है हम एसएम और जीबी सर की बात नहीं कर रहे फिलहाल,
पता चला थोड़ी देर बाद वो दोनों के दोनों फैन बन के, जान दो सर तुम क्या, तुम्हारे आजू बाजू लोग सबके केस छोड़ देते करके हम बोलो हाँ है ना। चलो आगे नीचे लिखना एग्रीमेंट अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग, ठीक है। कोई भी लीगल प्रोसेस के अंदर आपने इंटरफेरेंस करना, कोई भी लीगल प्रोसेस, तो भी ये गलत है, ठीक है। नीचे लिखना पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन क्या हुआ, एन एग्रीमेंट which fully or partially prohibits a government officer, which fully or partially prohibits a government officer from exercising his rights or doing his duty, from exercising his rights or doing his duty is void. For example, bribing officer to inquiry, comma, use of a power to stop the inquiries, full stop. उसी में next main point, an agreement to reduce the period of limitation, एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस द पीरियड ऑफ, क्या एक बार उससे लिमिटेशन पीरियड मतलब, एन एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेशन पीरियड पता है भाई तुमको, पता है तुम्हें, तुम बोल नहीं रहे सिर्फ, मुझे तो टाइम बार्ड डेट कितने सालों में टाइम बार्ड होता है, ये कहां बोला है, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बोला है, ये 3 साल की लिमिट बोली है लिमिटेशन एक्ट में, उसे कहते हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब समझो तुमने किसी के साथ एग्रीमेंट किया कि टाइम बाद डेट ये 3 साल बाद नहीं 10 साल बाद होगा, तो इससे का सच में 10 साल हो जाएगा, इट इज अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। ऐसे लिमिटेशन एक्ट में और भी कुछ टाइम पीरियड दिए हुए हैं, तो कोई भी टाइम पीरियड चेंज करने की अगर आपने कोशिश की जो लॉ ने बोला है, दैट इज एग्रीमेंट अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग। क्लियर है कंसेप्ट? सो एन एग्रीमेंट टू कर्टेल द पीरियड ऑफ लिमिटेशन लिखा सबने, will also be considered as void and original period will be considered full stop. लिखा सामने, चलो बहुत बढ़िया। ये होने के बाद में अगला वाला, ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसर्स और टाइटल्स नहीं पता। हाँ, पैसे देके अवार्ड खरीदना, सुना है कभी? जोर से बोले सर न। आपको पता है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये 3 लोगों ने खुद प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी खुद ही के उन प्रधानमंत्री के कार्यकाल में खुद ही को भारत रत्न दे दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, आप हिस्ट्री में सर्च करना, मतलब ये बहुत, वैसे मैं इंदिरा गांधी जी को कुछ डिसीजंस के लिए मानता हूं, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, परमाणु परीक्षण, अच्छी चीजें की है, बट सीरियसली खुद प्रधानमंत्री खुद ही को भारत रत्न दे दिया, ऐसे नहीं होता ना, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। चलो ये एक तरीका हुआ, ठीक है। दूसरा, अनिल कपूर ने बीच में वीडियोस बहुत सारे वायरल हुए थे, 2-4 साल पहले की बात है, ही हैज एक्सेप्टेड ऑन द टेलीविजन कि ऐसे बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के अवार्ड है, जैसे फिल्म फेयर, नेशनल अवार्ड्स वगैरह, वो उसने ब्राइब दे के खरीदे हुए है, कि उस वक्त उसका जो करियर था वो डाउनग्रेड जा रहा था, तो उसने खुद को 2-3 अवार्ड दिलवा लिए पैसे दे के।
कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना? दिस इज ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस एंड अवार्ड्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये तो अवार्ड के बारे में हुआ। ऐसे बहुत सारे अवार्ड है जो इंडिया में लोग खरीदते बेचते रहते हैं, ट्रेडिंग चलता है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना? आप कभी भी गूगल के ऊपर डालोगे ना कि गवर्नमेंट ऑथोराइज अवार्ड गिवन, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि कितना सारा। ये तो मैंने मेन प्राइम मिनिस्टर बोले, चीफ मिनिस्टर, मंत्री लेवल, संतरी लेवल, इधर एमपी एमएलए लेवल पे तो कितना होता होगा। प्रधानमंत्री तीन चार ऐसे कर सकते तो और क्या करेंगे जीवन में। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना? जोर से बोले सर। नो, एडिशनली नाउ व्हाट इज ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस? आपने कभी देखना, अगर कोई बंदा इलेक्शन चुन के आ जाता है, एमपी या एमएलए बन जाता है, तो उसके साथ वाले चाचा भतीजा मामा भांजे सबको गवर्नमेंट में जॉब लग जाता है। सब एजुकेशनली एक साथ क्वालिफाई हो जाते हैं क्या? कि नहीं, एक साथ सबको डिग्री मिल गई भाई, ये इलेक्शन जीत गया तो। अरे खुद जो चुनाव जिनके जीत के आ रहा है उसकी खुद के पास डिग्री नहीं है लाइफ के अंदर, बोलो हाँ या ना? तो ऐसे कैसे सबको जॉब लग जाती है? बिकॉज ऑफ रेफरेंसेस। कैसे बोले एक बार उसे? रेफरेंसेस, दैट इज कॉल्ड एज ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस। ठीक है, बिना कॉम्पिटेंसी के, बिना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, बिना उस लेवल की स्किल्स को रखते हुए, अगर आप सिर्फ रेफरेंस और ब्राइब के थ्रू किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में कोई भी पोजीशन होल्ड करते हो, तो उसको ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस कहा जाता है। मेनली जब आईपीएस आईएएस आप बन जाते हो यूपीएससी पास करने के बाद, ठीक है, यूपीएससी पास करने के बाद आईपीएस आईएएस बन जाते हो, तो आपने कई सारे न्यूज सुने होंगे, लोग पैसा देते हैं स्पेसिफिक एरियाज के पोस्टिंग्स लेने के लिए। बोलो हाँ या ना? कि नहीं भाई, मुझे मुंबई सबर भी चाहिए, यहाँ खाने का बहुत मौका मिल रहा है मेरे को, यहाँ पे पैसे बहुत मिलेंगे। तो ऐसे लोग पैसे दे दे के 200-250 करोड़ रेट रेट चलता है, आपको शायद नहीं पता होगा, 200-400 करोड़ रेट चलता है अगर आपको एक मेट्रो सिटी का कमिश्नर कलेक्टर का अगर आपको जगह चाहिए तो, आईएएस आईपीएस बनने के बाद। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जोर से बोले सर। नो, दिस इज कॉल्ड एज ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूँ? बोलो हाँ या ना? तो ये चीज को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। तो लिखना, ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस एंड टाइटल्स। पॉइंट नंबर वन, एन एग्रीमेंट फॉर द सेल और अ ट्रांसफर टू अ पब्लिक ऑफिस, फॉर अ सेल और ट्रांसफर टू अ पब्लिक ऑफिस by giving a bribe or using a reference, by giving a bribe or using a reference, or transfer to public office by giving a bribe or using a reference, without skill quality or competency, without skill quality or competency, is void in law. Is void in law. Purchase of celebrated awards. Purchase of celebrated awards for public recognition. Purchase of celebrated awards for public recognition. Public recognition like Padma Vibhushan, comma Paramveer Chakra, etc. is also considered as void. फुल स्टॉप लिख लिया सर हमने। नेक्स्ट वन, अगला हेडिंग, एग्रीमेंट अपोज्ड टू ड्यूटी। ये एकदम सिंपल है, छोटा छोटा आएगा इसमें। व्हाट इज अपोज्ड टू ड्यूटी? व्हाट इज एग्रीमेंट अपोज्ड टू ड्यूटी? कितने लोग ऐसे बहुत दूर से आते हैं गाड़ी चलाते हुए प्रेस्टीज पॉइंट पे? एनीवन? नाम बोलो बेटा तुम्हारा। श्रेयस, श्रेया। श्रेया कहां से आते हो बेटा? भूल गया क्या जीवन में? नांदेड़ सिटी से श्रेया ड्राइव करते हुए आता है। ठीक है, एक दिन श्रेया नांदेड़ सिटी से ड्राइव करते आ रहा था उसको बीच में सिग्नल लगा,
ग्रीन ऑरेंज रेड वाला चाहिए। सिग्नल लगा तो श्रेया देखा कि अब सिग्नल का तो अपने यहां इंटरप्रिटेशन अलग होता है ना भाई साहब, बोलो हाँ या ना। ग्रीन मतलब गो, ऑरेंज मतलब लेट्स गो फास्ट, एंड रेड मतलब इफ देर इज नो मामू लेट्स गो। अरे बोलो हाँ या ना। तो श्रेया ने ऐसे इधर उधर देखा, उसको मामू दिखा नहीं, श्रेया ने रेड सिग्नल तोड़ डाला। और जैसे ही ये सिग्नल क्रॉस करके आगे बढ़ा, वहां एक छुपा हुआ सा छोटा सा मामू बाहर आया और श्रेया को ऐसे पकड़ लिया, चाबी निकाल ली, जेब में डाल दी, नंबर डाला फोन के ऊपर, 5,000 रुपए का चला नहीं तेरे ऊपर। श्रेया बोलता है 5,000 कैसे जिंदगी में, देखो ना सर कुछ करो ना सर, बोलो हाँ है ना। वहां तो पूरे भिकमंगी बन जाते हैं सब लोग, कितना भी अमेर क्यों ना रहे। फिर वो इतना रोने के बाद में ट्रैफिक, हाँ ठीक है ना, था कितना दे सकता है, देखो ना 1,000 रुपए तो दे। बोलो हाँ है ना, अच्छा 500 दे दे। गोलमाल का तुषार कपूर वाओ, बोलो है। और उसके बाद तो कुत्तों दे सर 100 रुपए, 100 रुपए 5,000 का चालान 100 रुपए, ये तो हरी पत्ते निकाले ब्लू दे 100 रुपए, ओके डन, एग्रीमेंट अपोज टू द ड्यूटी, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस बेचारा खुद का काम कर रहा था, चालान फाड़ के इसके ऊपर, ये बंदे ने पत्ती निकाली जेब में डाल दी, अपोज टू ड्यूटी, उसकी ड्यूटी क्या थी, चालान फाड़ना, इसने चालान फाड़ने दिया गया, गला बड़े जोर जोर से फाड़ा वहां पे। कैंसर समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। सिंपल एग्जांपल, एग्रीमेंट अपोज टू ड्यूटी, ड्यूटी क्या थी, तुमने करवाया क्या, आइडिया समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। जोर से बोलो सर नो, तो लिखना उसके अंदर पॉइंट वहां। When a person is bound to do some act, when a person or officer is bound to do some act, bound to do some act, as per law, another person makes an agreement, not to use such act, it is agreement against duty, which is void in law. लिख लिया सबने, बोलो हाँ है ना। चलो नेक्स्ट वन, एग्रीमेंट अगेंस्ट क्या एक बार उसे पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच सुना है सबने, उसके नाम पे लोग क्या क्या नहीं बोल रहे आजकल कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो वो नारे देना शुरू, भारत तेरे टुकड़े होंगे वगैरह, है ना, अफजल गुरु वगैरह वाला केस, बोलो हाँ है ना। अब बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभी अभी वो राइट काफी सारे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि अगर आप एंटी नेशनल चीजें बोलते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच में तो आपको रोक दिया जाएगा, लेकिन आपको आपकी पर्सनल लिबर्टी है। वॉट इज पर्सनल लिबर्टी? आज अगर आप ये सोचो कि मेरे को अभी उठ के दिल्ली जाके, दिल्ली में पार्टी शार्टी करके रात को वापस आना है, तो कैन श्योरली डू दैट, देर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग यू फॉर द सेम। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूँ? जोर से बोलो सर नो। अब ये लिबर्टी नहीं तो क्या है? अभी तुम ये डिसाइड करो मेरे को किसी भी होटल में पूना में जाके खाना खाना है, ठीक है, प्रोवाइडेड पैसा जेब में हो उतना, ठीक है, या फिर बर्तन घसने की ताकत हो, दोनों में से कुछ भी चलेगा। सो आप जाके खाना खा सकते हो, दिस इज अ पर्सनल लिबर्टी। आप अगर ये सोच रहे हो मेरे को ये मूवी देखना है, मेरे को तामिल तेलुगु मूवी देखना है, यन्ना रसकला माइंडेड, अभी वो रजनीकांत की आई ना जेलर, बोलो हाँ या ना। तुमको मूवी देखना है तमिल तेलुगु, तुमको कोई रोक नहीं सकता, दूसरी भाषा की है, दूसरे प्रांत की है, डजंट मैटर।
आप ये सब चीजें कर सकते हो क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने राइट दिया है टू बिकम, टू बिहेव एट योर लिबर्टी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सुन। नो, अब किसी ने अगर आपके किडनैपिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, आपको बंद करके एक रूम में जमा कर लिया, मुझे एक बात बताओ, ये आपके लिबर्टी के खिलाफ होगा या नहीं होगा? जोर से बोले सुन। नो, रात को जब तुम 1-2 बजे सैटरडे नाइट को, सैटरडे 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 करते हुए बाहर निकलते हो और उधर से एक पुलिस आ जाता है, क्या करता रे? कहीं नहीं सर, कहीं नहीं, घरी चल लो तो। ए कोणाच्या घरी चाललो होतो? काय नाही सर, माझ्या चेहऱ्याकडे पाहून वाटतं का कोणाच्या दुसऱ्याच्या घरी जाईल मी म्हणून। अब तुम लिबर्टी रात को 1:30 बजे दिखाओगे अभी पुलिस को, तो ऑब्वियसली डैमेज होगा या नहीं होगा? बोलो हाँ है ना। सो एक बात याद रखना, अब ये एग्रीमेंट बोला तो गया है कॉन्ट्रैक्ट में कि एग्रीमेंट अगेंस्ट पर्सनल लिबर्टी इज वॉइड, ठीक है? पर पर्सनल लिबर्टी किस हद तक के, ये भी समझना बहुत जरूरी है। इफ योर लिबर्टी इज डैमेजिंग अ नेशनैलिटी, इफ योर लिबर्टी इज डैमेजिंग द अदर पर्सन लिबर्टी, इफ योर लिबर्टी इज डैमेजिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ अदर रिलीजन, इफ योर लिबर्टी इज डैमेजिंग द नेशनल इंटरेस्ट और यूनिटी ऑफ द इंडिया, तो लिबर्टी वाले कॉन्ट्रैक्ट, वो जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो लिबर्टी वाले, वो सब वॉइड है, ठीक है? क्योंकि वो किसी ना किसी को, नेशनल इंटरेस्ट को, रिलीजन को, या किसी पर्सन को डैमेज कर रहे हैं। नहीं तो पर्सनल लिबर्टी करके, उत्तर प्रदेश में केस हुआ था ना, शादी में सब लोग डांस कर रहे थे और उत्तर प्रदेश शादी डांस कट्टा चलाना इज वेरी नॉर्मल, डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, तो शादी में डांस करते करते उन्होंने गोलियां चलाई, दूल्हे को ही लग गई। हाँ, केस हुआ ही है उत्तर प्रदेश में, आप गूगल करके देखो, शादी में दोस्त लोग कट्टा चलाते, दूल्हा ही उड़ा दिया जीवन में, घोड़े पे बैठा था वो। समझ में आ रहा है? अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे सिचुएशन में तुम्हारी पर्सनल लिबर्टी काम में आएगी क्या? तो आपको एक मार्जिन समझ में आना चाहिए या एक एरिया समझ में आना चाहिए, पर्सनल लिबर्टी किस हद तक। क्या भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलना किसी यूनिवर्सिटी में पर्सनल लिबर्टी है? किसी रिलीजन, किसी भी रिलीजन के खिलाफ कुछ भी गलत बोलना, क्या ये पर्सनल लिबर्टी है? किसी भी पर्सन को डैमेज हो ऐसी कोई भी एक्टिविटी करना क्योंकि तुम लिबरल हो, क्या ये लिबर्टी है? नहीं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सुन। नो, किसी भी बंदे के सेंटिमेंट, आजकल वो बहुत ज्यादा चल रहा है, कौन सा वो क्या कहते हैं उसको, वो नहीं क्या, ही शी वाला केस, ही शी बोले हमको, दे बोलो दे हम ही ना ही है ना शी, हमको दे बोलो, आर करके ना, ठीक है? वो उनको लगता है उनके सेंटिमेंट है, बट वी शुड ऑल्सो टेक केयर कि हाँ भाई तू तेरा देख, हम हमारा देखेंगे, वी आर नॉट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर। अगेन वन मोर थिंग, होमोसेक्सुअलिटी अभी वो लीगलाइज कर दिया गया है इंडिया में, तो ये भी बात उतनी ही सच है कि ऐसे चीजें बोल के किसी की होमोसेक्सुअल लिबर्टी को डैमेज करना, ये भी सही नहीं है ना? कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोले सर। नो, सो लिबर्टी के खिलाफ क्या एग्रीमेंट वर्ल्ड है, आई नो, पर किस हद तक के लिबर्टी होना चाहिए इसका भी डेफिनेशन बहुत जरूरी है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर। नो, प्राइमरीली ये वाले एंगल को मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पर्सनली बहुत ज्यादा एग्री नहीं करता, क्योंकि आप देखो जहां पब्लिक इकट्ठा आती है, जहां बहुत सारे लोग, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मानुष हा सामाजिक प्राणी आहे, बड़ा होके पता चल रहा है कि सिर्फ प्राणी ही आहे। बोलो आया ना? अब जब हम बोलते मानुष सामाजिक प्राणी, एंड व्हेन यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको खुद की लिबर्टी को कई बार साइड में रख के दूसरों का भी इंटरेस्ट कंसिडर करना चाहिए। दैट्स व्हाई आई पर्सनली टोटली नॉट एग्री विद दिस, नॉट ऐसा कि इसके अगेंस्ट भी हूं, बट कुछ हद तक के लिबर्टी के डेफिनेशन सही है और कुछ हद तक के लिबर्टी के बाहर जाना गलत है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? बट स्टिल मैं तो मार्क्स नहीं देने वाला, मार्क्स कौन देने वाला है? जय आईसीआई, बोलो जय आईसीआई, बोलो जय जय आईसीएबी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ भारत ना, इंडियन नहीं है ना, अभी भारत हो रहा है ना भाई, हला है ना, तो लिखो नीचे एग्रीमेंट अगेंस्ट पर्सनल लिबर्टी, लिखना पॉइंट नंबर वन, एन एग्रीमेंट अगेंस्ट अ पर्सनल लिबर्टी ऑफ एनी पर्सन, एन एग्रीमेंट अगेंस्ट अ पर्सनल लिबर्टी ऑफ एनी पर्सन
पर्सनल लिबर्टी ऑफ क्या लिखवा दो से एनी पर्सन और डैमेजिंग हिज लिबर्टी और डैमेजिंग हिज लिबर्टी इज वॉइड कॉन्स्टिट्यूशन. पॉइंट नंबर टू, कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन राइट ऑफ अ पर्सनल फ्रीडम. कॉन्स्टिट्यूशन हैव गिवन अ राइट ऑफ अ पर्सनल फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच टू एन इंडिविजुअल. फ्रीडम ऑफ स्पीच टू एन इंडिविजुअल विच शुड नॉट बी डैमेज्ड फुल स्टॉप. लिख लिया सबने, डन एवरीबडी? बोलो हाँ है ना. नेक्स्ट वन, अगला वाला कौन सा है? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज. ये याद होगा तुमको नालायको. बोलो हाँ है ना. एनी एग्जाम्पल ऑफ एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज? बोलो कोई एक तो एग्जाम्पल बोलो. एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ डाउरी. डाउरी तो इज फॉर मैरिज बेटा, रिस्ट्रेंट नहीं. शादी में जरूर आना, कब कर रहा है? ओके ध्यान देना. एग्रीमेंट इज रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का एग्जाम्पल, पूरा ध्यान बोर्ड पे. ठीक है, आर यू गाइज रेडी? कैट का एंड विकी का चालू है? नहीं, शादी हो गई भिखारी. चालू है बोले, शादी हो गई अभी चालू है बोले. कैट का और विकी का अफेयर था, समझो क्या था. कैट और विकी का जब अफेयर था तो पिक्चर में आ गया. सलमान खान ऐसे ही आएगा, ये इधर सलमान, उसके हाथ में वो ब्लू कलर का ब्रेसलेट. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना. ऐसे ही आता है सलमान, मेरे को नहीं मालूम. ठीक है, सो सलमान आया पिक्चर में. सलमान ने विकी को बोला, विकी तू कटरीना के साथ शादी करना चाहता है? विकी बोले, सिर्फ शादी? अरे अरे मतलब अरे अरे सिर्फ शादी मतलब अरे उसके साथ संसार बसाना चाहता हूँ, आगे बाल बच्चे वगैरह घर बसाना चाहता हूँ, ये बोल रहा है वो कि कैसी जिंदगी है तुम्हारी. सो सलमान विकी को बोला कि तू कटरीना के साथ शादी करना चाहता है? विकी बोला हाँ बिल्कुल करना चाहता हूँ. सलमान ने विकी को ऑफर दिया, विकी मैं तेरे को 50 करोड़ रुपए देगा. कितने? जोर से बोलो, कितने? 50 करोड़. तू कैट को भूल जा. विकी बोला सच में? सलमान बोले हाँ बिल्कुल बिल्कुल दूंगा. विकी बोले देख लो. बोले हाँ. बोले दो फिर अभी. सलमान बोले निकाल बॉन्ड पेपर. तो विकी ने बॉन्ड पेपर निकाला. बॉन्ड पेपर के ऊपर लिखा बकायदा, आई एम विकी, आई विल नॉट मैरी कैट इफ सल्लू भाई गिव्स मी 50 करोड़. साइन किया सलमान ने, साइन किया इसने, लगेज 50 करोड़ निकाल के विकी को दे दिया. विकी ने 50 करोड़ लिया और दूसरे दिन कटरीना के साथ भाग के शादी कर लिया. क्या कर ली? बोले एक बार भाग के शादी. सलमान खान बौखला गया, बोले क्या व्हाट इज दिस, ये तूने नहीं करना चाहिए था. मैंने तेरे को 50 करोड़ रुपए दिया था कटरीना के साथ शादी ना करने के लिए. विकी बोला सल्लू भाई तू भाई होगा घर का, किसी का भाई किसी की जान, जान ना लायक लोगों जान, तू भाई होगा घर का. एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज बिल्कुल भी वैलिड नहीं है. विकी पूरे 50 करोड़ अंदर खा पी के एकदम चिल कर सकता है और फिर भी कटरीना के साथ शादी करता है, कर सकता है, क्योंकि ये पर्सनल लिबर्टी में भी आता है. एंड एट द सेम टाइम कोई भी तुमको किसी से भी शादी करने से रोक नहीं सकता, भली वो दूसरे रिलीजन में क्यों ना हो. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना. जोर से बोलो ऐसा नो. कोई भी चलेगा, कोई भी रिलीजन, दूसरा देश भी चले, नेपाली भी चलेगा. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? बोलो हाँ है ना. तो ये चीज को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज चलता नहीं है. ये सेम केस सलमान ने अभी ऐश के साथ में भी ट्राई किया. अभी और किसके साथ बोले एक बार? ऐश. वो भी पैसा लेके भाग गए. पता नहीं भाई का हमेशा कट्टा क्यों है. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना. जोर से बोले एक बार सुन ना. दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज. इसके साथ में एक और ही ऐसा सीन है जो और वॉइड है.
मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट सुना है? व्हाट इज मैरिज ब्रोकरेज? क्या इधर से कैसा आवाज आ रही है? ये म्यूट नहीं किया है क्या? लाइव स्ट्रीम में किसका माइक शुरू है? रुपया म्यूट कर लो जिंदगी के अंदर। अरे घर के सब झगड़े सुनाई दे रहे हैं यहां पे। हे भगवान, कर लिया उसने म्यूट कर लिया। बेस्ट ऑफ लक बेटा। सब मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट। कौन से कॉन्ट्रैक्ट बोले एक बार? मैरिज ब्रोकरेज। पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर। समझो इसकी शादी करनी थी। नहीं थे तेरे क्या, तेरे साथ क्या क्या हो चुका है? आगे दूसरा करना है वो। हाँ नाम बोलो बेटा। कॉर्नर में। हाँ आद्या। कौन बोले एक बार जो से? आद्या। आद्या को शादी करनी थी, बहुत जोर से करनी थी उसको, बहुत जोर से शादी आ रही थी तो करनी पड़ेंगे ना। अरे बोलो ना। हाँ ना, तो आद्या को बहुत जोर से शादी आ रही थी, ठीक है? तो इसने शादी करने के लिए, वो पता है आपको पुराने मूवीज में वगैरह तुमने मूवी देखी होगी, हम साथ साथ है, हम आपके है कौन, तो उसमें एक ब्रोकर रहता था, एजेंट, जो शादी जुड़ा के रहता था कि ये घर अच्छा है, फैमिली अच्छा है वगैरह, फोटो वोटो दिखाता था, पूरा प्रपंचा करता था। बोलो हाँ या ना? एकदम मुनीम टाइप्स, वो एकदम ऐसा चालाक बंदा दिखाया, थोड़ा सा मीठा बोलने वाला। बोलो हाँ या ना? तो आजा ने ऐसी एक मस्त बंदे को पकड़ लिया, बोले मेरी शादी करवा दे। और उसने बंदे के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि बोले लड़की बोले एकदम अमीर बाप की करोड़पति लड़की होनी चाहिए, बोले इकलौती इकलौती। कंजप समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? अरे जोर से बोलो हाँ है ना। सो अमीर बाप की एकदम करोड़पति लड़की चाहिए, बोले वो भी इकलौती। कंजप समझ में आ रहा है सबको? जितनी बड़ी पार्टी तू ढूंढ के लाएगा, देख बोले मैं शीए बन रहा है, बोले मैं भी कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं, शीए शीए चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो मैं भी शीए बन रहा है, बोले ऐसा वैसी शादी नहीं करने वाला, इकलौती लड़की चाहिए। और बोले जितनी बड़ी पार्टी तू ढूंढ के लाएगा, जितनी नेटवर्थ हो पार्टी की होगी, जितना पैसा लड़की लेके आएगी तेरे को 5%। क्या ये चलेगा? क्या सुनने में भी अच्छा लग रहा है? कुछ लड़कों को मन में अच्छा लग रहा होगा कि ऐसा डील किधर होता है सर? अभी ऐसे ओपनली नहीं, क्लास के बाद मिलके बताना जरूर, ये कंसेप्ट में हमको बहुत इंटरेस्ट है। ऐसा लग रहा है 100 मार्क का पेपर इसी के ऊपर आ जाए। बोलो आया ना? सो बेसिकली ये सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा कि भाई इतनी बड़ी पार्टी ढूंढो, उसका 5% ले लो। दिस इज कॉल्ड एज मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट। जब तुम सामने वाले पार्टी को ये डील देते हो कि तुम जितनी बड़ी नेटवर्थ वाइज या वैल्यू वाइज पार्टी ढूंढ के लाओगे, उतना ज्यादा हम तुमको कमीशन देंगे, तुम एज एजेंट पार्टी ढूंढ के लाओ, दिस इज कॉल्ड मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट। और ये वॉइड है इंडिया में। ये इंडिया में क्या है बोले एक बार? वॉइड। इस चक्कर में ही डाउरी, वुमन हैरेसमेंट, आज के डेट में मेल हैरेसमेंट, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये इसी चक्करों में होते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर। नो आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? सो आजकल तो लिबरल वाला एरिया है ना, आप किसी के साथ भी शादी कर सकते हो, दूसरे देश से भाग के आके भी शादी कर सकते हो। लप्पू सा तो सचिन है, ठीक है? अरे बोलो हाँ है ना? तो ऐसे सिचुएशन में मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट सर क्या बोले एक बार जो से? वॉइड। जोर से बोले एक बार। मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट सर क्या बोले एक बार जो से? वॉइड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? फिर बच्चे सवाल पूछते हैं, सार लाइव स्ट्रीम से भी आवाज आई, ओके सर, हाँ गुड, हाँ सर, सर फिर ये शादी.com, भारत मैट्रिमोनी, ये सर सर फिर ये जो मैट्रिमोनी वाले साइट्स है, वेबसाइट्स, मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स, ठीक है, ये वेबसाइट्स वैलिड है या वॉइड है? ये वेबसाइट्स वैलिड है क्योंकि उनका ब्रोकरेज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो आपसे एक फिक्स फीस चार्ज करते हैं और आपके भरोसे पे छोड़ देते हैं, जिसको ढूंढना है ढूंढ खुद शादी कर लो, ठीक है, पर आपसे एक फिक्स फीस चार्ज कर लेंगे। कंसेप्ट समझ में? व्हेन द अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन इज इन द परसेंटेज ऑफ द नेटवर्थ ऑफ द अदर पार्टी टू द मैरिज, तो उसको मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। लेकिन व्हेन यू आर रनिंग अ वेबसाइट और एसोसिएशन जिसमें तुम फिक्स फीस चार्ज कर रहे हो, क्या चार्ज कर रहे हो बोले एक बार उसे? फिक्स फीस।
तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको क्या कहते हैं, बोले एक बार जो से नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, वो मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। क्लियर है? सो नीचे लिखना एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज एंड मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट्स लिखना। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, मुबारक हो। सो पॉइंट नंबर वन, क्या बोले बोले मुबारक हो। पॉइंट नंबर वन लिखना, कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन, कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन टू गो अगेंस्ट हिज मैरिज, टू गो अगेंस्ट हिज मैरिज और अवॉइडिंग हिज मैरिज, और अवॉइडिंग हिज मैरिज इज वॉइड इन लॉ, इज वॉइड इन लॉ, फुल स्टॉप। पॉइंट नंबर टू, सच अ पर्सन कैन क्लेम ऑल कंसिडरेशन ऑफ सच अ कॉन्ट्रैक्ट, कैन क्लेम ऑल कंसिडरेशन ऑफ सच अ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टिल ही कैन मैरी एज पर हिज चॉइस, एंड स्टिल ही कैन मैरी एज पर हिज चॉइस। Still he can marry as per his kabal ek bar choice. Full stop. Next point. Making a contract to find, making a contract to find a party with the huge net worth, making a contract to find a party with the huge net worth for the purpose of marriage. For the purpose of marriage and paying a commission for the same, and paying a commission for the same is also void, is also void. Paying a commission for the same is also kya ek bar void. Concept samajh mein aa raha hai sabka? Zor se bolo yes or no. Ek aur statement, making an agreement with a person, making an agreement with a person not to carry his marital duties. What is marital duties? Sansarik karya. Are bhikari logo achha socho, kuch to bhi alag achha soch lo. Nalayak log marital duties. Not to carry his marital duties is also void. समझो, भाई ने अभिषेक को पैसे दिए कि तू आज रात से घर पे नहीं जाएगा, तो मुझे एक बार तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या? नहीं। मैरिटल ड्यूटीज के अपोज वाला कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बोले बाजू से वाइड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सुन नो। ओके नेक्स्ट वन, अगला हेडिंग, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। सुना है? बहुत सुना होगा, है ना? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, पॉइंट नंबर वन, एन एग्रीमेंट टू रिस्ट्रिक्ट अ पर्सन, एन एग्रीमेंट टू रिस्ट्रिक्ट अ पर्सन फ्रॉम डूइंग एनी ट्रेड और बिजनेस, an agreement to restrict a person from doing any trade or business agreement to restrict a person from doing kya likhwa jo se trade or business will be considered as void, will be considered as void
फुल स्टॉप. पॉइंट नंबर टू, हाउ डू डू हाउ डू देर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू द एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. देर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वेयर इट कैन बी वैलिड. वेयर इट कैन बी वैलिड. पॉइंट नंबर ए, सेल ऑफ गुडविल. पॉइंट नंबर ए, सेल ऑफ गुडविल, उसको कोलन करके उसी के आगे लिखना, उसी में सेल ऑफ गुडविल कोलन आगे लिखना. इन दिस कॉन्ट्रैक्ट व्हेन वन पर्सन सेल्स हिज गुडविल टू अनदर, व्हेन वन पर्सन सेल्स हिज गुडविल टू द अनदर फॉर बिजनेस then he himself do not have any right, then he himself do not have any right, then he himself do not have any right to do the same business in the same name, to do the same business in the same name. within specified local limits for a specified time. Point number B, a partnership firm can put a restriction on the existing partner. Point B, a partnership firm can put a restriction on existing partner or outgoing partner. A partnership firm can put a restriction on existing partner or outgoing partner existing partner or kaun sa partner outgoing partner not to do the similar business, not to do the similar business within same local limits up to certain time. within same local limits up to certain kya bole ek baar jo se time मतलब आप एग्जिस्टिंग और न्यू पार्टनर, मतलब जो आउटगोइंग पार्टनर है उसके ऊपर बोल सकते हो कि आप ये बिजनेस इतने समय तक इस जगह में नहीं कर पाओगे, वो वैलिड है. हाँ, नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर सी एन एम्प्लॉयर ऑफ द फर्म कैन रिस्ट्रिक्ट हिज एम्प्लॉयज और अप्रेंटिस From doing a similar business for a limited time within limited area. लिख लिया सबने? चल, सो ये एक्सेप्शंस भी मैंने आपको बोल दिए. मेनली ये सभी एक्सेप्शन को स्टार मार्क करके रखना, मैक्सिमम सवाल आपको इसके ऊपर आएंगे. ठीक है, सभी एक्सेप्शन काम के. नेक्स्ट वाला, अगला हेडिंग मेन, वेजरिंग एग्रीमेंट्स. अच्छा, अनसर्टन एग्रीमेंट्स हमने देखा है ना ऑलरेडी, मीनिंग जिसका अनसर्टन है. ए ने बी को ऑयल सेल किया, कौन सा ऑयल किस बात के लिए, कुछ याद आया? वो देखा है नीचे, वेजरिंग एग्रीमेंट. व्हाट इज वेजरिंग एग्रीमेंट? वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, आईपीएल में क्या करते हैं लोग, सट्टा. वेजरिंग एग्रीमेंट इसके अवल एक बात उसे सट्टा. मुझे तो इंडिया में सट्टा लीगल है क्या? नहीं है तो ड्रीम इलेवन क्या है? ड्रीम इलेवन वो लीगल है, सट्टा ही है जीवन में. ये सब मिलके हमको पागल बना रहे हैं, समझ में आ रहा है? लिखो,
एन एग्रीमेंट टू गिव मनी और मनी इज वर्थ, एन एग्रीमेंट टू गिव मनी और मनी इज वर्थ, एन एग्रीमेंट टू गिव मनी और मनी इज वर्थ, ऑन असर्टनमेंट ऑफ द आउटकम, ऑन असर्टनमेंट ऑफ द आउटकम, ऑफ अनसर्टन फ्यूचर इवेंट्स, ऑन असर्टनमेंट ऑफ द आउटकम ऑफ अनसर्टन फ्यूचर इवेंट्स, ऑन असर्टनमेंट ऑफ द आउटकम ऑफ द अनसर्टन फ्यूचर इवेंट्स विच इज नॉट रिलेटेड टू बोथ द पार्टीज, विच इज नॉट रिलेटेड टू बोथ द पार्टीज, which is not related to both the parties, is a wagering agreement, is a wagering agreement. इसको हम क्या कहते हैं? Wagering agreement. Full stop. For example, betting, betting, lottery wagering है क्या? No sir, yes sir. Lottery wagering है या नहीं है? है या नहीं है? लॉटरी इज अ वेजरिंग, लॉटरी, पर लॉटरी लीगल है. क्यों? छोटे लेवल पे सट्टा है पर बोले चलता है, इतको से चलता ना, वैसा वाला केस है. ठीक है, एकदम बड़े लेवल के सट्टा खेलना अलाउड नहीं है, छोटे छोटे ऊपर ऊपर से. अरे मतलब छोटे छोटे लेवल के सट्टा. आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो हाँ है ना, ये चीज को याद रखना. ठीक है, सो यहाँ एग्रीमेंट अगेंस्ट टू पब्लिक पॉलिसी होता है खाता. कल जब समझ में आ रहा है, चलो आज का होमवर्क दे दूं मैं, एक बार बुक दो मुझे. ज्यादा सवाल सॉल्व कर सकते हो या तीन इनफ है, या एक दो बढ़ा दूं जीवन में? चलो लिखो पेज नंबर क्या, चलो पेज नंबर 1.21 के ऊपर एसएम का सवाल है, स्टडी मैट का, वो ले लेना. उसके बाद में 1.1 पे एक ही सवाल है, वे कौन सा क्या है? 1.21 का मानूस है. उसके बाद में नेक्स्ट वाला, किधर गया वो? पेज नंबर 1.22, वहां पे डिसाइड विथ अ रीजन वाला ऊपर का सवाल दिख रहा है वो, और उसके नीचे वाला Jan 21 का 1.22 बुक में है, क्वेश्चनेयर में दिख रहा है सबको. ये तीन सवाल है, एक और दे दूं क्या? अरे एक शगुन का, और शगुन बुरा मान जाएगी. तीन कर लोगे? हो जाएगा पक्का? चलो कल आने के बाद चेक करते हैं, तीन कर लेना. ठीक है, आज के लिए काफी करते हैं, सॉल्व फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे. थैंक यू, बोलो जोर से बोलो. ओके, कोई भी शंका, कुशंका, लघु शंका, दीर्घ शंका हो, आ जाओ, सॉल्व करवा दूंगा.